एक तरफ सरकार हर घर को नल से जल देने की योजना में जुड़ी हुई है, वहीं दूसरी तरफ चैनपुर प्रखंड के जनावल पंचायत अंतर्गत कुटियापाट गांव है, जहां के 27 परिवार के लगभग 125 आबादी भीषण जल संकट से जूझ रही है। ग्रामीण पिछले एक साल से 1.5 किलोमीटर दूर जंगल में बह रहे झरने से पानी लाकर अपनी प्यास बुझा रहे हैं। हालांकि गांव में पीएचडी विभाग से जल मीनार का निर्माण भी कराया गया है, मगर एक वर्ष से अधिक समय से वह जल मीनार खराब होकर बेकार पड़ा हुआ है, जिसे मरम्मत कराने वाला कोई नहीं है। सरकारी स्तर पर कागजों में यह दावा किया जाता है कि हर घर को नल से जोड़ा गया है, लोगों के घरों तक पानी पहुंच रही है, मगर हकीकत कुछ और ही बयां करती है। कोटियापाट गांव के लोग पहले सुबह से ही अपनी प्यास बुझाने के लिए बड़े बड़े बर्तन लेकर 1 किलोमीटर दूर जंगल चले जाते हैं, जहां झरना का बहता पानी को अपने सर में ढोकर वापस अपने घर आते हैं। यह सिलसिला दिन भर में कई बार चलता है। बंद पड़े जल मीनार के समीप बर्तन धो रही मुन्नी देवी से मीडिया कर्मियों ने बंद पड़े जल मीनार के बारे में पूछा तो जवाब सुनकर चौंक गए। मुन्नी देवी ने बताया कि पिछले एक साल से अधिक समय से यह जल मीनार खराब होकर बंद पड़ा हुआ है, तभी से गांव के सभी लोगों को 1 किलोमीटर दूर जंगल से बहने वाले झरने के पानी को सर में ढोकर लाना पड़ता है और अपनी प्यास बुझानी पड़ती है। सबसे ज्यादा परेशानी इस भीषण गर्मी में होती है। थकती धूप में 1 किलोमीटर दूर से पानी लाने में जो कठिनाई होते हैं, उसे सिर्फ यहाँ के लोग ही समझ सकते हैं। वही एक महिला जंगल की ओर से पानी ढोकर ला रही थी। उनसे पूछने पर कहा कि अब यह हमारे दैनिक दिनचर्या का हिस्सा है, हम जंगल पहाड़ों में बसते हैं, हमारी ओर सरकार जनप्रतिनिधि ना ही अधिकारियों का ध्यान है। पिछले सालों से हम अपनी प्यास बुझाने के लिए 1 किलोमीटर दूर से पानी ला रहे हैं। पानी कहाँ से लाते हैं? पानी कहाँ से लाते हैं? से। 1 किलोमीटर होगा? कितना दूर है? 1 किलोमीटर है होगा। सर में ढोक लाते हैं? हाँ, सर से ही लाते हैं। वही का पानी पीते हैं? हाँ, वही का पानी। कुआं है? कुआं भी है और जंगल से नीचे से झरना लगाया है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।